हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम 11th क्लास का जो चैप्टर 2 है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसका जो टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट, उसी को ही डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं किसकी, प्रोपेगेशन ऑफ एरर की। प्रीवियस क्लास में हमने एरर्स को कैलकुलेट करना सीखा था, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सब हमने वहां पर सीखे थे। आज हम बात कर रहे हैं प्रोपेगेशन में। प्रोपेगेशन का मतलब हो जाता है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उनको कंबाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम ये कहे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के सम से मिलकर बनी है, दैट मीन्स उनका कॉम्बिनेशन हुई है, या उनके डिफरेंस से आपको मिली है, या उनके प्रोडक्ट से या डिवीजन से आपको मिली है, या फिर उनके ऊपर अगर पावर आप लगा देते हो तो उससे अगर आपको मिलती है, तो उन सबको मेजर करने में जो एरर होती है उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट केस है क्या, एरर इन द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, या फिर आप उसकी पावर लगा दो, लोग ले लो, मतलब ये जो भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो इनकी इस प्रोसीजर के टाइम में हमारे पास क्या एरर काउंट होती है, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि एरर्स इन द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि आपको सम करना है। ओके, तो कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज लेकर चलते हैं, ओके, ए एंड बी, सच दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका एडिशन करने पर हमें क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है, यानी कि एक अदर फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रही है। अब यहाँ पर आप एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब सपोज कीजिए कि आपने ए क्वांटिटी को मेजर किया है, राइट, ए क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हो तो मे बी वहां पर कुछ एरर आपके पास आई हो, ऐसे ही अगर आप बी क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हो तो वहां पर भी कोई ना कोई एरर आपके पास अगर हो सकती है। सो लेट ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपके पास ए को मेजर करने पर ये वैल्यू आपको मिल रही है और बी को मेजर करने पर ये वैल्यू मिल रही है, मैं यहाँ पर प्लस माइनस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या कि हमारे पास एरर्स जो होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। सो जब हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को एक साथ लेकर चलना होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास जेड क्या होगा, जेड विल बी इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये क्या है, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड। अगर आपकी ए और बी की जो मेजर वैल्यू है ये होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जेड की जो मेजर वैल्यू होगी उसमें भी तो एरर आपके पास काउंट होगी, सो दिस इज द मेजर वैल्यू ऑफ जेड। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, राइट हैंड साइड में आपके पास ये ए है और ये क्या है, बी है, तो आप इसे जब लिखेंगे ए प्लस बी, ओके, एंड दिस इज प्लस माइनस डेल्टा ए एंड दिस प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें तो क्या ए प्लस बी किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, ओके,
सो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर वन नोट करें तो ये इक्वेशन वन से आपके पास मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास z है, ये z जब वहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो इस z से वो z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ पर ही इसे कैंसिल कर देते हैं, देन वी गेट प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, दिस इज द एरर इन z क्वांटिटी। अब अगर आप इस पर ध्यान से देखें तो आपके पास देखिए एरर की ये वैल्यूज हैं। इसमें क्या है कि डेल्टा ए जो है वो प्लस भी है और माइनस भी है, सिमिलरली डेल्टा बी आल्सो हैव टू वैल्यूज प्लस और माइनस। सो वी कैन सी दैट देयर आर फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरर, और वो क्या क्या है, एक बार तो दोनों प्लस हो सकते हैं, सो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है कि डेल्टा ए प्लस हो लेकिन डेल्टा बी क्या हो, माइनस हो, और उसके बाद पॉसिबल है क्या कि डेल्टा ए माइनस हो और डेल्टा बी क्या हो, प्लस हो, एंड द लास्ट डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों ही क्या हो, माइनस हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर पॉसिबल वेज हैं किसके, एरर के। ये हमारे पास चार पॉसिबल वैल्यूज है। अगर आप इन चारों वैल्यूज को ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज है अगर आप इनको अच्छे से देखो, तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? यस, मैक्सिमम वैल्यू में आपके पास डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो वी कैन सी दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पर एक कह सकते हैं क्या, देन द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट, देन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी कि जो भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं, ए है या फिर बी है, उनकी जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स है लाइक डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, उन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने पर वो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी एरर की किसमें, फॉर जेड क्वांटिटी वेयर इट इज द सम ऑफ ए एंड बी। तो ये हो गया है आपके पास सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट मैं आपको करा देती हूँ सम के बाद सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड केस है क्या, एरर इन द डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस ले रहे हैं, सो वी विल राइट जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड इफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, ओके, एंड सिमिलरली बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, एंड जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड। तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, देन यू विल राइट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a, a की मेजर वैल्यू है हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर माइनस, और b, b की हमारे पास मेजर वैल्यू क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b। आप इसे एक्सपेंड कीजिए, देन यू विल गेट a प्लस माइनस डेल्टा a, और ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये माइनस बी, अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, अगर बाहर माइनस लगा हो तो डेल्टा बी। सो वी कैन राइट इट ए माइनस बी, इस बी को हम पहले लिख लेते हैं, एंड दिस प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, एंड दिस इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो a माइनस बी किसकी वैल्यू है, जरा हम अगर अबव इक्वेशन जो है हमारे पास, इसे हम नेम दे देते हैं यहाँ पर टू, इस टू पर अगर हम फोकस करें तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, z की वैल्यू है।
दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस प्लस है, आप चाहे तो इसे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि डेल्टा बी जो है एक बार नेगेटिव है और एक बार क्या है पॉजिटिव है। सो डेल्टा बी जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट डेल्टा जेड प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जैसे आपने सम में देखा था कि आपके पास जो डेल्टा जेड मिला था आपको उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज मिली थी, चार पॉसिबल वैल्यूज मिली थी, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो एरर्स हैं उनकी फोर पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलती है एंड दीज आर तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होंगी, दीज विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी दोनों एक बार प्लस और एक बार डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर देते हैं, डेल्टा ए को माइनस ले लेते हैं एंड डेल्टा बी को प्लस और एक बार दोनों ही क्या हो जाते हैं माइनस। तो अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो आपके पास मैक्सिमम एरर क्या होगी, दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो वी कैन सी दैट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर विल बी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो क्या मिला आपको यहाँ पर, हम देख पा रहे हैं क्या कि चाहे हम अपने फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, मतलब दोनों केसेस जो अभी पहले डिस्कस किया वो भी और जो अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी, हमारे पास जो भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ रही है मैक्सिमम वाली वो क्या है, दोनों एरर्स का क्या है प्लस आ रही है। तो दोनों ही केसेस की स्टडी के बाद हम यहाँ पर फाइनली एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर लो चाहे आप उन्हें क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जो भी आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। सो फाइनली डेल्टा जेड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, आप इतने एक बार से नोट कर लीजिए। तो चलिए न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन, ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपके NCERT के बुक में से है और यहाँ पे आपके पास जो भी बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं जिनके आपको टेम्परेचर गिवन है, फर्स्ट का क्या है T1 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास क्या 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि ये जो प्लस माइनस में है ये क्या है, आप सपोज कीजिए जैसे कि क्या कि ये आपके पास ए वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है ओके और ये इसकी क्या है मेजर वैल्यू है, मेजर वैल्यू है दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए ओके। तो ये जो डेल्टा ए है तो ये क्या है डेल्टा ए दैट मीन्स एरर। तो आपके पास फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करते समय क्या एरर मिलती है आपको 0.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ऐसे ही अब आप सेकेंड बॉडी का जो टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको एरर क्या मिल रही है 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब कॉन्सेप्ट हुआ कि ये तो है हमारे पास एरर्स करेक्ट,
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो टी टू माइनस टी वन, तो जब भी आप टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज होती है, मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है, ये तो एरर होती है, एरर को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है हम इसे लेंगे। तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। सो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? अब आपने यहाँ पर क्या बताया कि ये क्या है, एरर है। सो वी कैन से दैट डेल्टा टी वन इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस एरर, एंड सेकेंड बॉडी के टेम्परेचर में जो एरर है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है वो क्या होती है, अभी अभी कैलकुलेट किया था बच्चे, बताइए। यस, उस कंडीशन में जो भी हमारे पास एरर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ओके, सो वी कैन से दैट प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5। सो प्लस माइनस आप ले लीजिए और दोनों एरर्स को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 0.5 और 0.5 आपके पास क्या हो जाएगा, 1। सो यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली आपके पास जो आंसर होगा, दैट मीन्स जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, सो यू कैन से दैट द आंसर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिला हमें, 30 डिग्री सेल्सियस। सो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस एरर, एरर कितनी आई हमारे पास, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब इस आंसर को जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, इसको भी रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। कैसे, कि एक तो हम यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस तो आपका टेम्परेचर आ ही रहा है, और उसके बाद क्या हो सकता है जी, प्लस 1 भी हो सकता है, मतलब 31 भी हो सकता है, या फिर माइनस 1 भी हो सकता है, यानी कि 29 भी हो सकता है। तो ये इसकी एरर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर, मतलब आपने ये कह दिया कि जी 30 से 29 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, तो आपने 1 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर एक एरर दिया है, मतलब एक आपने वैल्यू दी है। अगर आपसे यही वैल्यू परसेंटेज में कैलकुलेट कराई जाए तो आप इसको क्या करेंगे, उसके लिए आपको रिलेटिव एरर जो है वो कैलकुलेट करना होगा। ओके, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आती है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किससे, कि जो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू है दैट इज द एवरेज वैल्यू, और वो हमारे पास कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। सो वी विल डिवाइड इट बाय 30 डिग्री सेल्सियस। सो द आंसर इज 1/30। ये हो गई है हमारी रिलेटिव एरर। और जब हम रिलेटिव एरर को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं सो हम उसे क्या कह सकते हैं, परसेंटेज एरर। एंड परसेंटेज एरर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग विद 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 10/3। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 10/3, देन 3.3%। सो फाइनली वी कैन से दैट अवर आंसर इज, यहाँ पर क्या था, 30 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पर प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस की बजाय क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3.3%। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है ही है हमारा, बट एरर कितनी है अब यहाँ पर, 3.3% है, एंड दैट कैन बी प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब इसी तरह से ये आपने क्या किया, डिफरेंस किया, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। और अगर अब हम डिफरेंस की बजाय यहाँ पर क्या करें, इसका कॉम्बाइंड टेम्परेचर लें, यानी कि टोटल टेम्परेचर अगर हम काउंट करें तो वो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये जो 20 और 50 है, सिंपल सी बात है, जब हम कंबाइन बोल रहे हैं यानी कि प्लस कर रहे हैं, तो उसमें हम 20 और 50 को क्या कर देंगे, 70 कर देंगे, और बाकी का मतलब सिर्फ यहां तक का जो पोर्शन है हमारा ये चेंज होगा, 30 की जगह 70 आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन हमारी एज इट इज होगी जैसे यहाँ पर हो रही है। तो इसी एक न्यूमेरिकल में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है, और प्लस प्लस के टाइम में क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर 70, तो यहाँ पर तो आपका 70 आ जाएगा, और आपकी एरर भी कितनी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस आएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस,
बट रिलेटिव एरर चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आप किससे डिवाइड कर रहे हो 30 से, और वहां आप किससे डिवाइड करोगे 70 से। सो रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या मिल जाएगा, 1/70। क्लियर है? और जब परसेंटेज एरर निकालोगे तो 1/70 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो आपका यहाँ पर परसेंट पे आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास थर्ड केस है, क्या? व्हेन द एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। दैट मीन्स अब हम यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेने पर हम एरर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्या कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो किस फॉर्म में है, z दैट इज इक्वल टू ए बी, लेट ये हमने सपोज किया है। एंड अगर हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट ले क्या कि a प्लस डेल्टा a क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है किसकी, a क्वांटिटी की। सिमिलरली वी कैन से दैट b प्लस माइनस डेल्टा b, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी क्वांटिटी, एंड z प्लस माइनस डेल्टा z मेजर्ड वैल्यू ऑफ z क्वांटिटी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट के टाइम पे जो z है आप उसको रिप्लेस कर देंगे z प्लस माइनस डेल्टा z से, एंड a a को आप रिप्लेस करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a से, एंड b इज रिप्लेस्ड बाय b प्लस माइनस डेल्टा डी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम कीजिए, ये जो है ना आपके पास फर्स्ट वाला ब्रैकेट, इसमें से ए को बाहर ले आइए। अगर आप ए को कॉमन लेंगे देन यहाँ पे तो क्या रहेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए। अब यहाँ पर तो ए था ही नहीं, तो इसका मतलब जब आप इसे बाहर ले रहे हो तो आप इसके अपोन में क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो जरा सॉल्व करके देखो, ए को जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा ए बचेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस, ओके। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब बी और ये ए, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रखे है ना, तो वी कैन से डेट ए इंटू बी इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब जैसे हमने यहाँ पर से a कॉमन लिया और यहाँ से b कॉमन लिया, ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में से भी तो z कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी ले लीजिए, z कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। और सिमिलरली वी कैन राइट हियर z इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अब ये जो ए बी है ये किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। देखो z इज इक्वल टू ए बी, सो वी कैन राइट हियर z इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू z। ए बी की जगह आपने रिप्लेस किया z और ये मिलता है आपको, ये हम ये जो क्वांटिटी है हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वन को आपने वन से मल्टीप्लाई किया, वन मिला। फिर वन को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेल्टा b अपॉन b से, सो यू कैन राइट डेल्टा b अपॉन b। अब हम डेल्टा यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब जरा आप इस पे फोकस कीजिए, ये क्या है हमारे पास एरर आ चुकी है ना। लेकिन क्या अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, नहीं ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने एरर को डिवाइड किया हुआ है किससे, जो उसकी वैल्यू है, मतलब आपके पास अगर z क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो तो z क्वांटिटी में z तो इसकी वैल्यू है और डेल्टा z क्या है, इसकी एरर है। सो आपने डेल्टा z को इसकी वैल्यू दैट मीन्स ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया हुआ है, और जब आप इसे ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो ये आपके पास क्या होता है, रिलेटिव एरर। सो आपके पास यहाँ पर रिलेटिव एरर ये मिल जाती है, क्लियर। अब आपके पास ये अगर रिलेटिव एरर है तो इसके भी कितनी वैल्यूज हैं, फोर पॉसिबल वैल्यूज हैं, और वो क्या क्या है देखिए, फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिलेटिव एरर आर क्या क्या होंगी, एक बार तो दोनों प्लस होंगे,
टाइम पे मे बी डेल्टा ए प्लस हो और डेल्टा बी माइनस हो, उसके बाद डेल्टा ए माइनस एंड डेल्टा बी प्लस, और नेक्स्ट टाइम ये सभी आपस में क्या हो सकते हैं, मतलब ये दोनों वैल्यूज ही क्या हो सकती है, माइनस हो सकती है। सो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास किसकी, एरर की, और वो भी कौन सी, रिलेटिव एरर, है ना, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव एरर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर क्या होगी भाई, जरा देखिए, दैट विल बी दिस, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर। तो आप यहां से स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, यानी कि दोनों क्वांटिटीज की हमने रिलेटिव एरर कैलकुलेट की है, उनको प्लस किया है, तो उनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, रिलेटिव एरर, किसके लिए, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी है, दैट मीन्स जेड, उसके लिए। और जब हमारे पास रिलेटिव एरर हमें यहां मिल जाती है तो हम परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से, एंड देट विल बी अवर परसेंटेज एरर। ओके, सो दैट्स द पॉइंट, एंड वी कैन राइट हियर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज अवर परसेंटेज एरर। तो जैसे आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया, सिमिलर वे में हम डिवीजन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक बार आप जरा इसे नोट कर लीजिए। अब हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर के टॉपिक में अपने फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज एरर इन द डिवीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी के इक्वल होगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज का क्या ले रहे हैं, डिवीजन ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है हम उसे लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, एंड देट विल बी इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर आपके पास ये सब क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज द मेजर वैल्यू ऑफ ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज द मेजर वैल्यू ऑफ बी, एंड जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज द मेजर वैल्यू ऑफ जी। तो जैसे आपने मल्टीप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट में किया था क्या, कि यहाँ से आपने कॉमन लिया था, यहाँ से आपने जेड, यहाँ से ए और यहाँ से बी, तो सेम हम यहाँ पर भी वही स्टेप डिवाइस करते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग जेड आपने कॉमन लिया, देन वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और यहाँ से आप ए कॉमन लीजिए, आपको क्या मिलेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन, अब आप बी कॉमन लीजिए, देन यू कैन राइट वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब जब हम यहाँ से ए या बी जो है बाहर ले रहे हैं तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, क्लियर। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, कैसे, कि जेड वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अब आप राइट हैंड साइड पर देखिए ये क्या है ए और यहाँ पे क्या है बी, सो दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्लियर। और ये वाली जो टर्म है हमारे पास क्या है, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये जो टर्म है वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, करेक्ट। और जब ये डिनोमिनेटर में है, और अगर आप चाहे कि आप इसे न्यूमिनेटर में ले आओ, कैसे, कि जैसे सपोज कीजिए कि ये अभी तो क्या है वन अपॉन एक्स के फॉर्म में है, हम एक बार लेकर चल रहे हैं, और अगर हमें एक्स को न्यूमिनेटर में लाना है यानी कि ऊपर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसकी पावर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। सो सिमिलरली वी कैन राइट हियर वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस वन, क्लियर है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जेड और यहाँ ये देखिए ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट, जेड, सो हियर जेड मे बी कैंसिल बाय ए अपॉन बी, हमने इसे कैंसिल कर दिया है। आगे चलिए वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और यहाँ राइट साइड में आप देखिए वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड। अब यहाँ पर आप देखिए जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म होती है जिसमें हमारे पास ये नेगेटिव पावर हो जाती है या फिर यहाँ पर कोई भी पावर होती है, तो यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अब आप कहेंगे मैम ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बेसिकली बच्चों बाइनोमियल थ्योरम जो है आप क्लास 11th में ही पढ़ेंगे और मैथ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है,
अपनी बुक को ओपन करके देखिएगा, एक चैप्टर है आपके पास बायनोमियल थ्योरम, और जहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या 1 + x^n, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 + nx होती है, ठीक है। दैट मीन्स जो पावर है आपके पास n, वो x का मल्टीपल हो जाती है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो -1 है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर x के मल्टीपल में n है, ऐसे ही डेल्टा b / b के मल्टीपल में ले आते हैं। तो जब माइनस हम यहाँ लाएंगे तो ये जो प्लस माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में, ओके। मतलब प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर माइनस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि जो वहां पर वैल्यू है वो क्या है, -1, तो -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी। आगे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, देन यू विल राइट 1 + डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को, इस मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से। नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी से, और ये भी माइनस प्लस है, सो वी कैन राइट इट प्लस माइनस, एंड फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पर भी आपके पास सेम वही कॉन्सेप्ट है क्या, कि सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट में बी नेग्लेक्टेड, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट मे बी नेग्लेक्टेड। अब हम इसे अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स ये वाली जो टर्म है हमारे पास डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी वाली, ये तो पूरी हट जाएगी, आपके पास ये बचेगा क्या, 1 + डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 + यहाँ पर देखिए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट हेयर प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पर ये आपके पास रिलेटिव एरर आ जाती है, और इस रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट में भी आप देख सकते हैं क्या, कि आपके पास जो भी एरर्स है उसके 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्या कि एक बार तो जब ये दोनों प्लस हो, और एक बार अगर ए प्लस है तो बी माइनस हो, और अगर ए माइनस है तो बी प्लस हो, या फिर ए और बी दोनों ही क्या हो, माइनस हो। तो जब हम इनकी चारों वैल्यूज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरर्स आर, तो इनको डिस्कस करने पर हम यहाँ पर बता सकते हैं क्या, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर। तो पहले हम पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये एक है। नेक्स्ट टाइम डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, थर्ड टाइम माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, एंड द फोर्थ जब आपके पास दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो, सो द मैक्सिमम एरर, और वो भी कौन सी, यहां पर रिलेटिव एरर, और वो क्या होगी, दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये आपके पास क्या है, रिलेटिव एरर है, और वो भी कैसी है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर है। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बता सकते हैं क्या, कि ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी टर्म्ड एज परसेंटेज एरर, क्लियर। तो आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आपके पास जो भी आपके पास रिलेटिव एरर आएगी, मैक्सिमम रिलेटिव एरर आएगी, वो आपके पास क्या होगी, जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर है उनका एडिशन होगी, क्लियर। तो हम यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो एक बार जरा नोट कर लीजिए। सो इन जनरल यू कैन राइट हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उन्हें डिवाइड करते हैं,
देन द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज सो वी कैन राइट हियर डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर ठीक है तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प ले लेते हैं जो तो अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है क्या देखिए अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटी क्या है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरेड क्लियर कि इसका मतलब कैपेसिटी तो कितनी है 2 है ना 2 माइक्रोफेरेड लेकिन ये 0.1 ये क्या है उसके अंदर एरर है मतलब ये प्लस 1 भी हो सकती है वैल्यू या फिर माइनस 1 भी हो सकती है एंड द नेक्स्ट इज चार्ज्ड टू ए वोल्टेज इसे चार्ज किया गया है एंड द वोल्टेज इज 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट व्हाट विल बी द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर यूज क्यू इज इक्वल टू सीवी कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है एक एपरेटस होता है जिसमें हम क्या करते हैं चार्ज को कलेक्ट करते हैं और उसके लिए जो फॉर्मूला है यूज किया गया है वो क्या है क्यू दैट इज इक्वल टू सी इंटू वी सी इंटू वी इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्लियर प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज तो जो हमारे पास सी है कैपेसिटी वो क्या है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फेरेड और जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है देखिए 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है क्यू तो इसका मतलब ये सी की मेजर्ड वैल्यू है ये वी की मेजर्ड वैल्यू है तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्यू की भी क्या मिलेगी मेजर्ड वैल्यू मिलेगी एंड देट विल बी क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू तो उसके लिए हमें क्या करना है पहले तो हमें क्यू को कैलकुलेट करना है और फिर हमें क्या करना है एरर कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं सो चार्ज क्यू इज फॉर्मूला क्या है सी इंटू वी तो जो ट्रू वैल्यूज है हम पहले उनको ले लेते हैं ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है 2.0 सी की और वी की क्या है 20 सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2.0 और ये जो वैल्यू है ये किस में है माइक्रो फेरेड में माइक्रो का मतलब हो जाता है कि 10^-6 तो इसका मतलब जो भी कैपेसिटी है वो इतनी है एक्चुअल में माइक्रो में है तो आपने माइक्रो की यहाँ पर वैल्यू लिख दी है क्लियर इंटू वोल्टेज कितनी है 20 आप मल्टीप्लाई कीजिए 20 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 10^-6 क्यू चार्ज को हम कुलाम से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कुलाम इसकी यूनिट होती है क्लियर बच्चों अब आपके पास यहाँ पर ट्रू वैल्यू तो मिल गई है हमें कैलकुलेट क्या करना है अब एरर क्लियर है और एरर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हमें एरर क्या मिलती है फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा ए अपॉन ए क्या है दैट इज योर कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटी की यहाँ पे एरर हो गया सो डेल्टा सी अपॉन सी तो डेल्टा सी देखो ये क्या है यहाँ पर 0.1 तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए 0.1 अपॉन सी सी कितना है आपके पास 2 क्लियर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 सो यू कैन राइट इट इज 1/20 मतलब आप यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा अब जैसे आपने डेल्टा ए अपॉन ए कैलकुलेट किया ऐसे ही अब हम यहाँ पर क्या करते हैं डेल्टा बी अपॉन बी दैट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी कैलकुलेट करते हैं और डेल्टा वी दैट इज 0.2 और v कितना है 20 है सो वी कैन राइट इट 0.2 अपॉन 20 आप यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 200 और 2 अपॉन 200 दैट मीन्स आपके पास डेल्टा v अपॉन v कितना मिला है 1/100 अब आपको क्या करना है दोनों का सम कर लेना ये देखिए डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी दैट मीन्स डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और ये कितना है हमारे पास यहाँ पर देखिए 1/20 और ये कितना है 1/100 100 आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 25 जा 100 और ये 1
दैट मीन्स 6/100। तो अब आप यहाँ से इसकी परसेंटेज एरर निकालिए, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे आप, इसमें 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 6। तो आपके पास चार्ज की जो परसेंटेज एरर आ गई है वो कितनी आ गई है, 6% आ गई है। तो फाइनली आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास चार्ज कितना मिला, Q = चार्ज मिला था ये 40 × 10⁻⁶ कूलम्ब। क्लियर है? ओके। और एरर कितनी है जी, 6% ±6%। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 6% वैल्यू जो है ना ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना होगा 6% वैल्यू ऑफ क्यू, दैट मीन्स 6/100 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 40 × 10⁻⁶। 10 से 10 कैंसिल, 6 × 4 = 24 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2.4। तो 2.4 × 10⁻⁶ ये आपके पास क्या हो गया है, एरर। तो आप यहाँ पर चार्ज को लिख सकते हैं 40 × 10⁻⁶ ±2.4 × 10⁻⁶ कूलम्ब चार्ज। और सिंस आपके पास 10⁻⁶ दोनों के अंदर ही है तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। सो फाइनली यू कैन राइट इट 40 ± 2.4 × 10⁻⁶ कूलम्ब। सो दैट इज योर आंसर। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन के बाद हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू पावर के। इट मींस अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास यहाँ पे, सपोज कर लीजिए ए, और इस पे हमने पावर यहाँ पर रेज की हुई है के, तो इस क्वांटिटी की आप एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि डेट इट इज इक्वल टू जेड, ये आपने ले लिया है कि ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको बेटा लॉगरिथम याद है ना कि हम कैसे लॉग लेते हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से क्या है कि बिना ज्यादा कोई कंफ्यूजन के ना हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाएगी। कैसे? बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स में लॉग अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या बोलेंगे, लॉग जेड, एंड इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर के। क्लियर? हमारे पास लॉगरिथम में एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर लॉग एम है और उसकी पावर आप ले रहे हैं एन, तो वो जो एन क्वांटिटी है आप उसको बाहर लिख सकते हैं और फॉर्मूले की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा, के इंटू लॉग ए। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई है, लॉग जेड की। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं। ओके, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। आपके लिए डिफ्रेंशिएशन जो वर्ड है ये थोड़ा सा अलग जरूर होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये 11th क्लास में है, 11th क्लास के मैथ्स में आपको ये मिलेगा डिफ्रेंशिएशन, यानी कि हम बहुत छोटी से छोटी वैल्यू यहाँ पे, बहुत छोटे से छोटा डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लॉग के डिफ्रेंशिएशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर आपके पास लॉग इस फॉर्म में है तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/z, मतलब लॉग जिस क्वांटिटी के अंदर है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर तो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफ्रेंशिएशन, जेड। अगर जेड के अलावा किसी और टर्म में आप डिफ्रेंशिएट करो तो आप क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं, अभी हमें ये नहीं पता हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो लॉग जेड का डिफ्रेंशिएशन तो हम क्या लिखेंगे, 1/z। क्लियर? फिर हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जेड का। भाई लॉग जेड का क्या, तो 1/z मिला। अब हमारे पास जेड का करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, dz। बट अभी आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आपके पास लॉग जेड होता है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/z × dz। क्लियर? कैसे, कि ये जो dz है एक तरीके से आप सपोज कर लीजिए इसके यहाँ पर मल्टीपल में आ गया है, तो 1/z × dz। जब आप मैथ्स के अंदर इस चैप्टर पे आएंगे तो आपको ये टॉपिक, आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1/z dz = k, लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन कीजिए आपको क्या मिलेगा, 1/a, तो आप इसको अपॉन में a लिख सकते हैं, एंड लॉग a ये क्या होगा, dA। अगर हम यहाँ पर इसे एरर्स की टर्म्स में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरर्स,
देन वी कैन राइट डी जेड को हम क्या लिखेंगे, डेल जेड, मतलब ये छोटी सी वैल्यू है, एंड अपॉन जेड दिस इज इक्वल टू के, डी ए को आप क्या लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए। तो यहाँ पर ये आपको मिल गई है आपकी एरर, दिस इज योर रिलेटिव एरर। अब अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो, लाइक एग्जांपल लेके और क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि आपके पास यहाँ पर z क्या है, a रेस टू द पावर 4, b रेस टू द पावर 1 अपॉन 3 अपॉन c इंटू d रेस टू द पावर 3 अपॉन 2। हमें इसके लिए रिलेटिव एरर जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये सब जो है ये क्या है, या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिविजन हो रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरी बात, इनमें सब में क्या है, पावर्स है, जैसे कि ए की पावर है 4, बी की पावर है 1 अपॉन 3, सी रेस टू द पावर हम 1 ले सकते हैं, और डी की पावर क्या 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये है एरर का। अगर आप यहाँ पर देखो कि ये जो रिलेटिव एरर है आपके पास, वो आपके पास क्या होगी, रिलेटिव एरर इज द के टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। That means जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो भी पावर है, आप क्या कीजिए, रिलेटिव एरर लीजिए और उसको कैसे, यानी कि उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगी। तो सेम यहाँ पर हम अगर अप्लाई करें इसको, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, और सारी की सारी एरर प्लस हो जाती है, सो प्लस लगाएंगे, नेक्स्ट पावर है 1 अपॉन 3 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस सी की पावर आपके पास कुछ नहीं है तो आप लिखेंगे सिंपली डेल्टा सी अपॉन सी, एंड द लास्ट डी रेस टू द पावर 3 अपॉन 2, तो इसकी पावर 3 अपॉन 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 अपॉन 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो इसी तरीके से आप बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।